नमस्कार, मैं हूँ राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। 2213 दरोगा बहाली परीक्षा आज 26 दिसंबर को संपन्न हो गई है। दोनों पालियों की परीक्षाएं संपन्न हो गई हैं। पहली पाली की परीक्षा 12:30 बजे संपन्न हुई थी, जिसका वीडियो हमने आप तक साझा किया था, जिसमें अभ्यर्थियों ने कहा कि प्रश्न जो थे वो पहले के तुलना में काफ़ी हार्ड थे। दूसरी पाली की परीक्षा भी अब संपन्न हो गई है, अभ्यर्थियों से बात करेंगे और जुड़ेंगे। भाई, क्या नाम हुआ? मेरा नाम मंटू कुमार हुआ। कैसी थी परीक्षा? परीक्षा पिछले साल से, पिछले बार जो परीक्षा हुई उससे थोड़ा टफ इस बार को सर रहा था। अच्छा, पहले पाली में भी लोगों ने यही कहा था, दूसरी पाली में भी? हाँ, कितना कट ऑफ जाने का उम्मीद है? कट ऑफ इस बार तो ओबीसी का 60 तक जाने का उम्मीद है, 60 या 60। अच्छा, बहुत लोग ये भी कह रहे थे जो परीक्षा देकर निकले हैं कि जिस प्रकार से परीक्षाएं गई हैं पहली पाली में, अगर दूसरी पाली में भी परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है आसान होता है तो नॉर्मलाइजेशन नहीं। हाँ, मेरे अनुसार तो लगता है कि दोनों पाली का बराबर एग्जाम सेम ही है। प्रश्न किस किस क्षेत्रों से ज़्यादा थे? करेंट अफेयर्स से ज़्यादा इस बार क्वेश्चन नहीं था, 6-7 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स से था और इकोनॉमिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन था। मैथ्स 2 या 3 मैथ लेवल कैसा था? मैथ लेवल सिंपल ही लेवल था, 2 रीजनिंग था सिंपल। क्या लगा, निकल जाएगा आपका? सबसे ज्यादा तार्किक क्वेश्चन देखिए, क्या बहुत तार्किक क्वेश्चन दिए थे रवि रंजन कुमार। कैसा पेपर गया? पेपर तो अच्छा गया है, लेकिन बहुत तार्किक कट ऑफ इस बार कम रहेगा पिछले बार से। अच्छा, मतलब ये सेकंड शिफ्ट में भी पेपर जो है वो हार्ड है? हाँ, हार्ड है, बहुत हार्ड है। पेपर शिफ्ट में भी लोगों ने कहा था कि काफी हार्ड है। हाँ, तो उसी लेवल का इसमें भी है। कंपेयर करें 2446 से तो मैंने उससे इसका हार्ड लेवल है, हार्ड है। हाँ, उसका हार्ड लेवल है, तो कट ऑफ इस बार कम ही जाएगा। पिछला बार भी हमारा मेंस हुआ था, फिजिकल में हम छठे थे और उसके पहले बार भी हम फिजिकल में छठे थे। अच्छा, तो हम तीनों से कंपेयर कर रहे हैं तो सबसे हार्ड तीसरा बार जो दरोगा है ना। क्यों ऐसा हार्ड लग रहा है? तार्किक बहुत था, इसलिए लग रहा है कि थोड़ा कट ऑफ पिछले बार चढ़ गया था, तो इस बार ऐसा तार्किक क्वेश्चन पूछा गया कि जिससे अच्छे अच्छे स्टूडेंट है जो तुक्का मारने वाला का यहाँ सिलेबस से बाहर से था। नहीं, सिलेबस से बाहर तो नहीं है, एक व्याख्यात्मक क्वेश्चन था। इसी वजह से? हाँ, इसी वजह से तार्किक क्वेश्चन था। आप अपना दिमाग लगा के तर्क से ज़्यादा कर सकते। करंट अफेयर्स अगर ज़्यादा? हाँ, करंट अफेयर्स का भी ठीक था, एवरेज करंट अफेयर्स था। चलिए, बहुत बहुत इस बार आपका क्या लग रहा है कि पीटी? मेरा तो फिर होगा, 2 बार पहले भी फिजिकल में हम छट चुके हैं, फिर होगा इस बार फिजिकल की तैयारी जम। हाँ, इस बार करेंगे, पिछले बार 4 सेकंड से मेरा फिजिकल छट गए थे। चलिए, अभ्यर्थियों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। तो बहुत से अभ्यर्थी यहाँ पे निकल रहे हैं और उनसे भी बात। भाई जी, कैसा गया पेपर? बहुत अच्छा। कैसा था पेपर? मॉडरेट था, न ज़्यादा ईजी न ज़्यादा हार्ड। अगर 2446 से कंपेयर करें उससे तो इजी था। उससे इजी था, कुछ लोग कह रहे हैं कि हार्ड था उससे। जिनको जैसा क्या लग रहा है, कितना जा सकता है? 85 प्लस ही जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर अभ्यर्थी जो निकल रहे हैं कुछ अधिकतर ऐसे ही अभ्यर्थी हैं जिनका कहना है कि पेपर जो है वो पहले के तुलना में हार्ड ही था, आसान तो पेपर नहीं है। और पहले शिफ्ट में भी जो भी अभ्यर्थी आए थे उनका यही कहना था कि पेपर जो है वो आसान नहीं था, अगर 2446 से कंपेयर करें तो। अन्य अभ्यर्थियों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि भीड़ जो है वो आपको सेंटर से बाहर निकलते दिखाई देगी। मिलर जो है उच्च माध्यमिक विद्यालय, वहाँ पर हम लोग हैं, वीरचंद पटेल पथ के पास में। भाई, कैसा गया पेपर? बहुत अच्छा गया। कैसा था पेपर, आसान या हार्ड? ये हार्ड तो था, कुछ हार्ड था। 2446 दिए थे क्या? पिछला बार दिए थे? नहीं, पिछला बार नहीं दिए थे। कितना आप टिक किए? 90 टिक किए। 90 टिक किए, 100 टिक मतलब रहता है परीक्षा? हाँ। तो क्या लग रहा है कितना आ जाएगा? अभी 65 के आसपास, 65 को सही होगा। कट ऑफ कितना जा सकता है? कट ऑफ 120 प्लस जाता है। नेगेटिव मार्किंग भी है तो 65 आ रहा था, 90 टिक कर दिए, नहीं लग रहा है कि नुकसान हो सकता है? नहीं, उतना के आसपास सही कंफर्म नहीं थे, इसीलिए बीच वाले थे तो उसमें देखा जाएगा। जय माता दी बोल के टिक मार। नहीं, ये है ना, निगेटिव थोड़ा कम था इसीलिए 0.2 निगेटिव मार्किंग। हाँ, चलिए ठीक है, उम्मीद करेंगे कि आपका भी हो। अन्य अभ्यर्थियों से भी बात करने का प्रयास करेंगे और जाने की कोशिश करेंगे कि पेपर कैसा गया था। भाई जी, एग्जाम दिए थे क्या? जी सर। क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र कुमार हुआ। कैसा गया पेपर? एग्जाम तो अच्छा गया। आसान था या हार्ड? मॉडरेट था सर। बीच में? हाँ, मॉडरेट। अच्छा, 2446 दिए थे? 2446 पिछला बार? नहीं सर, पिछला बार दिए थे, नहीं हुआ था इस पिछला बार। अच्छा, पीटी में ही नहीं, नहीं हुआ जी? नहीं सर, पिछला बार तैयारी नहीं था। अभ्यर्थी जो फर्स्ट शिफ्ट में थे उनका कहना था कि पेपर जो है वो हार्ड आया है। नहीं सर, मॉडरेट था, जैसे मैं वो जो एक सब्जेक्ट होता ना बायोलॉजी, वो थोड़ा सा हार्ड हो गया था ना, तो बाकी सब सब्जेक्ट ठीक था, कुछ क्वेश्चन भी याद है
अगर औरंगजेब का होता ना ऐसा पूछा गया था कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य के कौन थे, उस समय संभाल रहे थे जी। अच्छा, मैथ्स का सवाल कितना? मैथ्स का भी लमसम टोटल मिला के 5 था, रीजनिंग भी था उसमें, 2 रीजनिंग थे और 3 मैथ्स थे। लेवल कैसा था? लेवल ठीक ही था सर, ज़्यादा इजी, ज़्यादा हार्ड नहीं था, एकदम नॉर्मल था। करंट अफेयर हाँ थोड़ा सा था मिला जुला, 2020 के भी थे एक दो, और बाकी तो नॉर्मल ही था। फंसे कहाँ पे? क्या लग रहा था कहाँ फंसने जैसा माहौल था? बायोलॉजी में और थोड़ा सा फिजिक्स में लगने वाला था, फंसने वाला क्वेश्चन था। और सब ठीक? सब अच्छा लग रहा। कितना कटअप जा सकता है? कटअप जाएगा सर वही 60-65 के लमसम में ही जा पाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो ये यहाँ पर हम लोग मिलर उच्च विद्यालय वीरचंद पटेल के पास हैं, जहाँ पर सेकंड शिफ्ट की जो परीक्षा है वो संपन्न हो गई है और उसके बाद अभ्यर्थी अब बाहर निकलने लगे हैं। और उनका कहना है कि क्वेश्चन पेपर जो था वो कुछ मॉडरेट था, किसी का कहना आसान था, अधिकतर का ऐसा कहना है कि नहीं पहले की तुलना में थोड़ा हार्ड था। तो पहले शिफ्ट में भी ऐसा ही सुनने को मिला और दूसरे में भी हमें ऐसा ही सुनने को मिल रहा है। अब देखना है कि कट ऑफ क्या जाता है और कब तक इसका कट ऑफ आता है, इस संबंध में भी आगे हम वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।